और बात करते हैं बिलाईगढ़ की, जहां वहीं लंबे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई एक्सरे मशीन अब तक शुरू नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग की और स्वास्थ्य केंद्र में 3 साल पहले एक्सरे मशीन मुहैया कराई गई थी, लेकिन विद्युत ट्रांसफार्मर कनेक्शन की कमी के कारण ये अब शुरू नहीं हो पाई है और मरीजों को फायदा पहुंचाने वाली मशीन जंग खा रही है। लाइट की कमी कहां से अभी तक चालू नहीं हो पाया है, इसके लिए हम लोगों ने जो भी प्रोसीजर होता है लाइट के लिए पैसा जमा करने का है, सर्वे का है, सब हम लोगों ने काम करा लिए हैं और हमने लाइट विभाग को अपने उस पूरे काम करके जमा कर दिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल, जिस तरह से स्वास्थ्य केंद्र में आए एक्सरे मशीन लाई गई है, 3 साल लंबा समय होता है, क्यों आखिर अभी तक ये चालू नहीं कराई गई? बता दें रितु जी, इस पर स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही साफ साफ दिख रही है, क्योंकि उसमें बिहोर साफ तौर पर कहना कि 7 महीना पहले बिजली विभाग को आवेदन दिया गया वहाँ पर ट्रांसफर लगाने के लिए, जबकि 3 से 4 साल पहले वहाँ पर एक्सरे की मशीन जो लाखों रुपए की लाई गई है लेकिन अब तक चालू नहीं पाई है। और इस पर विद्युत विभाग की तो साफ साफ लापरवाही दिख रही है। और इस पर हमारे क्षेत्रीय विधायक चंद्रदेव राय जी को भी इसके बारे में ब्योमो साहब ने अवगत करा चुके हैं, जीआईसी साहब को बलौदा बाजार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक 7 महीने हो गए वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण एक्सरे मशीन चालू नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं ट्रांसफार्मर वहाँ पर उपलब्ध कराया गया, इतने लंबे समय से मशीन ले आए, आखिर कितना अमूमन कितने की मशीन होगी जो इतने लंबे समय से जंग खा रही है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, ये 3 साल से मशीन जंग खा रही है, जो लगभग 5 से 6 लाख की लागत की है जो स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे मशीन दिया गया है वो। और बता दूं कि इस एक्सरे मशीन नहीं होने के कारण जो मरीज आते हैं एक्सरे के लिए, जिसकी फ्रैक्चर रहते हैं हाथों पर या पैरों पर, उसको प्राइवेट निजी अस्पतालों में भेजा जाता है, जहां पर 300 से 500 400 ऐसे उन लोगों से फीस लिया जाता है लोगों को। तो यहां पर सरकारी जो सुविधा है शासन की तरफ से वो मिल रही है, मिलना चाहिए लोगों को। अखिल, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी मैडम, स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से हम यहाँ पर लापरवाही देख रहे हैं, 3 साल से एक्सरे मशीन लाई गई है पर ट्रांसफार्मर नहीं होने से ये मशीन चालू नहीं हुई है, आखिर ऐसे क्या कारण है? ट्रांसफार्मर नहीं लगे यहाँ पे एक्चुअली मैडम, जो एक्सरे मशीन आई है उसको ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसके बाद कम वोल्टेज कहाँ से ट्रांसफार्मर मशीन नहीं चल पाया, अपना एक्सरे मशीन नहीं चल पाएगा। और एक्सरे मशीन हमारे यहाँ इंस्टॉल है, शासन ने इंस्टॉल करके रख दिए हैं, लेकिन विद्युत की कमी कहाँ से, मतलब ट्रांसफार्मर की कमी कहाँ से, नहीं चल पा रहा है। क्यों कमी है सर, ये इतने लंबे समय से कमी है, ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही? हाँ मैडम, हम लोगों ने 6 महीना पहले लगभग हम लोगों ने जो चलते हैं उसका जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर लगाने का, हमारे विभाग की ओर से कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने, अभी तक वो अब विभाग ही विद्युत विभाग ही उसको ट्रांसफर से आप लगा पाएंगे मैडम। क्यों, आखिर क्या वजह है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मरीज पहुँचते होंगे, वो तो वापस जाते होंगे, 3 साल बहुत लंबा समय होता है सर। 3 साल नहीं मैडम, 1.5 साल के लगभग से ट्रांसफार्मर मशीन यहाँ सॉरी एक्सरे मशीन यहाँ लगी हुई है, और उसके लिए हम लोग लाइट के लिए पूरे कोशिश कर रहे थे और पूरे जो प्रोसेस है हमारे विभाग से कंप्लीट हो गया है मैडम। क्या लगता है अभी आगे क्या कुछ कहना है बड़े अधिकारियों को, कब तक ये अवेलेबल हो पाएगी ट्रांसफार्मर कि आगे ये मशीन चालू हो पाए? और एक्चुअल में मैडम बरसात के समय मैंने इनसे बात किया था कि ट्रांसफार्मर मशीन तो मतलब ट्रांसफार्मर का क्या हुआ बोल के विद्युत विभाग में, तो उनका कहना है सर बरसात में तो अभी नहीं हो पाएगा बोल के, अब बरसात निकल गई मैडम, अब तो लग जाना चाहिए, हम भी वेट कर रहे हैं लगने का। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लगे और मरीज परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं।